नमस्कार, मैं कार टेक्निकल मास्टर मुन्ना। आज मैं स्टेटर पैंडल पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग जो कॉल आता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो उसके आज मैं फुल डिटेल बताऊंगा स्टेटर पैंडल में कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे ठीक किया जाता है, कैसे क्या होता है। मैं आज उस पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्लेटर पैंडल वीडियो, इस पर आज वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो स्लेटर पैंडल को मैं फिगर बना लेता हूँ। ये हमारा स्लेटर पैंडल हो गया, ठीक है। ये हमारे स्लेटर पैंडल हो गए। तो स्लेटर पैंडल जो है, ज्यादातर जो कोड आता है आपका, ये पी पी करके कोड आता है, ठीक है। स्लेटर पैंडल में ये ज्यादा कोड आता है। जैसे आपका जब आप स्कैनिंग करेंगे स्लेटर पैंडल में, आपको जो फॉल्ट आता है वो ज्यादातर ऐसे करके आता है। तो स्क्रम जो शो करता है ना, वो ऐसे करता है, पी और ए पी पी वन ए पी पी टू, ऐसे आपको करके जो स्क्रम में आपका शो करेगा जो फॉल्ट आएगा। तो अब हम जानेंगे इसका मतलब ये होता क्या है, ये ए पी पी वन ए पी पी टू ये होता क्या है। तो एक स्लेटर पैंडल में ये सोचिए कि ये फॉल्ट जो बन गया आता है स्लेटर पैंडल में, यानी कि ए पी पी वन ए पी पी टू, ये जो स्लेटर पैंडल में जो फॉल्ट आता है, ये दो तरह का एक सेंसर है। इसमें दो सेंसर इसको माना जाता है, जो ए पी पी वन ए पी पी टू ये सेंसर है, ऐसे करके आपको स्कैनर में फॉल्ट शो करता है। तो जो स्लेटर पैंडल जो है, स्लेटर पैंडल में मात्र 6 वायर होता है। स्लेटर पैंडल में 6 वायरिंग होता है, 6 वायरिंग होता है। ये डायरेक्ट जो ये 6 वायरिंग है आपका, ये ईसीएम तक जाता है। ये जो 6 वायरिंग है ना, वो आपका 6 वायरिंग आपको डायरेक्ट ईसीएम में जाता है, या बीच में ना रिले ना पोस्ट कहीं नहीं आता। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो 6 वायरिंग होता है ना, वो डायरेक्ट ईसीएम तक जुड़ता है, अब जुड़ता है, ठीक है। तो आपको ये चीज डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो भी स्लेटर पैंडल में अगर फॉल्ट आएगा, तो जो भी 6 वायरिंग है वो डायरेक्ट ईसीएम तक जाता है, और कहीं उसका बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट ईसीएम तक जाता है। तो अब मान लीजिए कि जो ईसीएम है, जो 6 पिन है, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, 6 पिन भी लिख लेता हूँ। ये मान लीजिए कि 6 पिन हो गए, ये स्लेटर पैंडल का 6 पिन हो गया। हम एसी से हम अपना इंडिकेट कर देते हैं स्लेटर पैंडल मिडल, इसमें 6 पिन होता है। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी डी ई एफ एफ। तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्क्रीनर में आपका जो वन के फॉल्ट आता है, ए पी पी वन ए पी पी टू, ये आपका स्क्रीनर में फॉल्ट वन के आता है। तो मैं ये जो है, मान लो
इसको हम ए पी बी वन और ये है ए पी बी टू। तो अब हम ए पी पी वन को पहले डाउट क्लियर करेंगे इसमें क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। जो ए पी पी वन है ये पी हो गया, ये सर्किट पी, ये सर्किट पी। तो ये जो पिन है, तो जो पहला पिन होता है जो ये पी पी वन, यानी कि एक में आपका ये हो गया 18 पिन नंबर पर आता है इसका, और ऊपर पे पी थ्री ये हो गया आपका 61, ठीक है, ये पिन नंबर हो गया। और जो पहला जो पिन होता मान लीजिए कि रिफरेंस वोल्टेज, डिफरेंस वोल्टेज, दूसरा हो गया आपका ग्राउंड, तीसरा आपका हो गया सिग्नल, ये सिग्नल हो गया। तो जो पी पी वन होता है वो आपको पता चल गया कि जो पी नंबर डायरेक्ट हो जाता है इसी का 18 नंबर पर और ये 83 पर और 61 पर, पी वन पर जो पिन ECM का है उस पर ये जाता है वायरिंग इसका 18, 83, 61 पर। तो जो हम पिन को पहला जो बोलते हैं रिफरेंस वोल्टेज, दूसरा क्या बोलते हैं ग्राउंड, तीसरा क्या बोलते हैं सिग्नल, ये हो गया। अब हम इस चीज को लेते हैं, ये PP1 हो गया कि पिन नंबर किस किस पर जाता है, तो हम अब PP2 के लेंगे। अब हम इसको जान लेते हैं कि अब हम ये मान लेंगे कि अब ये किस किस पिन पर जाता है, तो मान लेंगे ये पिन हो गया और ये सर्किट हो गया। तो जो पहला जाता है वो आपका 40 पिन नंबर पर जाता है, दूसरा जाता है 82 पर और तीसरा जाता है 60 पर, और इसमें भी वही है रिफरेंस वोल्टेज। और तीसरा होता है आपका ग्राउंड, तीसरा होता है सिग्नल, ये आपका ये पिन नंबर पर जाता है। जैसे कि आपको मैं ये मान लीजिए ECM हो गया, तो जो आपको बताया कि इस लेटर पैटर्न में 6 वायरिंग होता है और 6 वायरिंग आपका कहीं नहीं रुकेगा, मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ ECM में जाता है। ये जो ECM है इसमें जाता है, बीच में आपका रिले पुश कहीं नहीं जाता, इसकी जो उसकी कनेक्शन है डायरेक्ट आपको कनेक्शन आपका ECM में जाता है, ये ECM हो गया इस जगह जाता है इसके बारे। तो जो PP2 है वो आपका ये तीन पिन नंबर पर 41 पर 82 पर 60 पर, ठीक है, यानी कि रिफरेंस ग्राउंड सिग्नल। और APP1 आपको क्लियर हो गया होगा, अब APP2 भी क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना कितना होना चाहिए। ठीक है,
तो अब जो वोल्टेज है मान लीजिए कि एक कितना कितना होना चाहिए वायरिंग में, तो जो पहला होता है रिफरेंस, रिफरेंस वोल्टेज, दूसरा आपका होता है ग्राउंड, तीसरा हो जाता है आपका सिग्नल। तो जो रिफरेंस वोल्टेज है, जो वायरिंग, हम वायरिंग की बात करें कि अगर जब हमारा जब स्कैनर में जो कोड बन के आता है, जो आपको कोड यहाँ पर बताया देते हैं कि किस किस कैसे कैसे कोड आता है, तो अगर वैसा अगर आ जाता है P P P1 P P2, अगर ऐसा फॉल्ट करके आता है, तो सोचे कि ये जो स्टेटर पैटर्न की फॉल्ट है। तो ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें वोल्टेज कितना कितना होता है। तो रिफरेंस जो वोल्टेज है आपको 5 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, ये 5 वोल्ट होना होना चाहिए। जब आपको अगर मान लो कोई फॉल्ट बात आते हैं स्टेटर पैंडल में, तो आप जब वोल्टेज करके आ रहा है 1 1 PP1 1 PP2, जो फॉल्ट आपके स्टेटर पैंडल में आया, तो आप पिन को जब चेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर, आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि वायरिंग में कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो जो रिफरेंस जो पहला वोल्टेज है रिफरेंस वोल्टेज, तो उसको 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, 5 वोल्ट होना चाहिए। दूसरा जो ग्राउंड है वो भी आपका 5 वोल्ट होना चाहिए, इसमें भी आपको 5 वोल्ट आना चाहिए। तो ये जो सिग्नल है वो ये डिपेंड करता है आपका पेंडल पर, ये डिपेंड करता है सिग्नल आपका पेंडल पर, ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है स्टेटर पैंडल पर। आपको जो स्टार्टिंग होता है 1.2, आप स्टेटर पैंडल को जितना प्रेस करेंगे वो आपका वोल्टेज बट यानी कि 12 तक आ जाता है, 12 वोल्ट तक आ जाता है। ये डिपेंड करता है किस पर, स्टेटर पैंडल पर। तो आप लोगों को कुछ पता चल गया होगा, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्टेटर पैंडल में कैसे कैसे फॉल्ट आता है और कैसे उसको ठीक करना है, कैसे चेक करना है। तो आई होप कि आप लोगों के बहुत डाउट क्लियर हो गया है। तो थैंक यू, आप एक्सटूल मेंबर से जुड़िए और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए जिस जिस पर आपका वर्क वीडियो आपको चाहिए, ऐसा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।